रंका प्रखंड के बीआरसी में प्रखंड स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दक्षिणी जिला परिषद सह भाजपा नेत्री उमा देवी, 20 सूत्री अध्यक्ष कमलेश नंदन सिन्हा, सांसद प्रतिनिधि सुनील माली, उत्तरी मंडल अध्यक्ष शिवशंकर प्रसाद सोनी, कल्याण पदाधिकारी उत्तम रंजन, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कामता प्रसाद, प्रखंड कार्यक्रम शिक्षा पदाधिकारी संतोष कुमार दुबे बांधु चुतरु, सीआरपी देवेंद्र नाथ उपाध्याय, रंका बीआरसी अकाउंटेंट अभय कुमार एवं सामाजिक अंकेक्षण के ऑडिटर संतोष कुमार पासवान की उपस्थिति में 3 विद्यालयों का त्रुटि आवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया। धौरा टोला उत्क्रमित विद्यालय खपरो, सोनपुरवा मध्य विद्यालय का सामाजिक अंकेक्षण के तहत जो भी त्रुटियां थी वह प्रखंड स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण में रखा गया, जिसका निदान पदाधिकारी के द्वारा त्वरित किया गया एवं 3 विद्यालयों को निर्देश दिया गया कि समय पर विद्यालयों की त्रुटि सुधारने का जज के द्वारा निर्देश दिया गया है। इस संबंध में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी संतोष कुमार दुबे ने कहा कि कुछ दिनों पहले सामाजिक अंकेक्षण के टीमों द्वारा विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया था, जो इनके द्वारा लाया गया था, वह सभी त्रुटियों को समय से दूर कर लिया जाएगा। इनके साथ में 3 विद्यालयों के सचिव, अध्यक्ष एवं विद्यालय के संयोजिका आदि उपस्थित थे। आज प्रखंडान चयनित 3 विद्यालयों, क्रमित मध्य विद्यालय खपरो, क्रमित मध्य विद्यालय सोनपुरवा, नव प्राथमिक विद्यालय थोराटाड़ चुतरु में सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित जो कार्यक्रम थे एवं मध्यान्ह भोजन योजना का जो तृतीय पक्ष का सामाजिक अंकेक्षण विद्यालय स्तर पर हुआ था, उसके उपरांत आज दिनांक 13/7/2019 को हमारे प्रखंड सहायक केंद्र रंका में प्रखंड स्तरीय सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हमारे तीनों विद्यालय के प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, अभिभावकगण सभी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त आज के जो प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम है, इसके जो जीरो मेंबर्स हैं, इसमें जिला परिषद अध्यक्ष हमारे बीच उमा देवी उपस्थित हैं, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महोदय थे, हमारे प्रखंड चयन पदाधिकारी थे, जिला के हमारे संतोष पासवान जी जो सोशल ऑडिट के हमारे जो प्रतिनिधि हैं उपस्थित थे, ये सारे जूरी मेंबर्स थे इनके समक्ष। इसके अतिरिक्त हमारे सभी स्टाफ थे, हमारे प्रखंड सहायक केंद्र के लेखापाल अभय जी, मैं संतोष कुमार दुबे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में खुद उपस्थित हुआ इस प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम में। तो इस जन सुनवाई कार्यक्रम में जो विद्यालय स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण हुआ और वहाँ पर जो त्रुटि पाई गई, तो उस त्रुटि का निराकरण इस जूरी मेंबर के द्वारा यहाँ पर किया जाना है इस जन सुनवाई कार्यक्रम के। तो आज हमारा जो प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ, निश्चित रूप से काफ़ी सफलतापूर्वक हम लोग इस जन सुनवाई कार्यक्रम को संपन्न किए, जिसमें तीनों ही विद्यालय के जो समस्याएं थी, चाहे वो मध्याह्न भोजन से रिलेटेड हो, विद्यालय के समग्र विकास से संबंधित हो, या बच्चों के पोशाक संबंधित हो, या अन्य जितने भी मुद्दे थे, जितने भी त्रुटि पाए गए थे विद्यालय स्तरीय सोशल ऑडिट में, उन सभी का जूरी मेंबर के द्वारा निर्णय लिया गया। और निर्णय लेने के उपरांत मैक्सिमम सभी केसेस में सभी विद्यालयों को, विद्यालय प्रबंध समिति को निर्देशित किया गया और एक निर्धारित समय दिया गया कि उस निर्धारित समय में जो कमियां हैं आपके विद्यालयों में, जिस स्तर पर, चाहे वह आंकड़ा संधारण की हो या फिर विद्यालय के जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी त्रुटि छन कर आई हैं, उन सभी त्रुटियों को एक निर्धारित तिथि में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को, प्रधानाध्यापक को, सारे मेंबर्स को निर्देशित किया गया या निर्णय लेकर निर्देशित किया गया कि इतनी अवधि में, निर्धारित अवधि में उसे आप त्रुटि का निराकरण करें और उससे संबंधित प्रतिवेदन फोटोग्राफ के साथ हमारे प्रखंड सहायक केंद्र रंका में जमा करें। तो निश्चित रूप से यह जो प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम है बेहद सफल रहा और निश्चित समय